जय हिंद फ्रेंड्स। सर्वप्रथमे आपण मानंकु पवित्र रथयात्रार बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। प्रभु श्री जगन्नाथ आपणंक एवं आपणंक परिवारकु सुख समृद्धि तथा कुशळरे रखिथांतु। आपणंक जीवन यात्रा सदा मंगलमय एवं कुसुमित हेउ। जगतर नाथंक निकटरे एतिकि प्रार्थना। जय जगन्नाथ। वर्तमान आजिर टॉपिक उपरकु आसीबा। आम भारतर जिओपॉलिटिकल कंडीशन एमिति रहिछि जे आम जवानंकु भारी जानवाहन तथा अस्त्रशस्त्रकु नेबा आणिबा करिबारे विशेष प्रॉब्लम होइथाए। खास करि लद्दाख एवं अरुणाचल प्रदेशर कथा जदि कुहाजिबो तेबे एठारे आम जवान भारी ओजनिया अस्त्रशस्त्रकु नेबा आणिबा करिबारे किंबा ऑपरेट करिबारे अनेक समस्यार सम्मुखीन होइथांती। अस्त्रशस्त्र ओजनिया हेबा जोगु शत्रु देश आगरे आम जवान जेते एक्टिवली काम करिबा कथा सेते करि पारंती नाही। कारण भारी ओजनिया जानवाहन किंबा अस्त्रशस्त्रकु ऑपरेट करिबा एवं ट्रांसपोर्ट करिबारे प्रॉब्लम होइथाए। वर्तमान समयरे आम भारतीय स्थल सेना 45 टन ओजनिया T-90 टैंक को एलएसी रे मुतयन करि रखिछि। सेपटे सीमा आरो पारिरे चाइना मध्य टाइप 15 नामक लाइट वेट टैंक मुतयन करि रखिछि। एही टैंक चाइना को आम भारत विरुद्ध रे केउठी ना केउठी बड़ एडवांटेज देथाए। कारण लाइट वेट टैंक खूब शीघ्र मूव करि पारे किंतु आम भारत रो T-90 टैंक सेते खूब शीघ्र मूव करि पारे नाही। एही समस्या रो समाधान पई DRDO एमिति एक टैंक को विकसित करिछि जाकि चीन पाकिस्तान रो सेना को फाड़ी रखि देबो। एही खतरनाक टैंक रो विशेषता जानिबा पूर्वरु वीडियो को एक प्यारा लाइक एवं आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। हां फ्रेंड्स, रिपोर्ट मुताबक गतकाली DRDO निजर लाइट वेट टैंक जोरावर रो प्रोटोटाइप को अनभील करितिला जाकि आम भारत इतिहास रो प्रथम हालुका टैंक अटे। आपण माने जानी खुशी हेबे याकु रेकॉर्ड 2 वर्ष भितरे तयारी करा जायछि। वर्तमान सुद्धा जोरावर टैंक रो इंटरनल टेस्टिंग जारी रहितिला एवं यहार एक्चुअल इमेज को पब्लिश करा जाय नथिला। वर्तमान जोरावर लाइट वेट टैंक रो एक्चुअल इमेज को DRDO द्वारा प्रथम थोर पई पब्लिश करा जायछि। एही टैंक रो टोटल वेट 25 टन अटे। एथिरे 105 मिलीमीटर मैन गन व्यवहार करा जायछि। आपण माने समस्त जानंती जोरावर टैंक को खास करी हाई एल्टीट्यूड रीजन रे ऑपरेट करा जिवो। सेथि पई एहार मैन गन को 42 डिग्री पर्यंत रखा जायछि जहा फळ रे एहाकु पहाड़िया अंचल रे फायर करिबारे विशेष फायदा हेबो। एथिरे कॉकटेल रो टरेट एवं रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन रो व्यवहार करा जायछि। या छोडा जोरावर टैंक रे अमेरिकन क्यूमिन्स रो इंजन को व्यवहार करा जायछि। प्रथमे एही टैंक रे जर्मन MTU सीरीज रो इंजन व्यवहार होइथांता किंतु जर्मनी द्वारा ठीक समय रे इंजन डिलीवरी होइ पारि नथिबारु शेषरे अमेरिकन इंजन व्यवहार करबा निष्पत्ति निया जायथिला। एही इंजन 750 हॉर्स पावर जनरेट करिथाए। एहाकु 3 जण क्रू ऑपरेट करिथांती। एहाकु DRDO एवं लार्सन एंड टुब्रो डिजाइन करिथिबा बेले लार्सन एंड टुब्रो मैन्युफैक्चरिंग करिछि। जोरावर लाइट टैंक रो साइड रे एंटी टैंक मिसाइल को इंटीग्रेट करा जिवो। एही एंटी टैंक मिसाइल नागो मिसाइल होइ पारे। एही टैंक रे DRDO एवं LNT एमिति एक आर्मर रो सुरक्षा कवच तयारी करिछंती जहाकि कोनोसी मिसाइल भेद करबा भारी कठिन काम अटे। एही टैंक रे स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर को मध्य इंटीग्रेट करा जायछि। आगामी दिन रे भारतीय स्थल सेना द्वारा 600 टी जोरावर टैंक रो ऑर्डर प्लेस करा जिवार संभावना रहिछि। एही टैंक 2027 रे भारतीय स्थल सेना रे शामिल होइ जिवो। तेबे आपण माने कमेंट करि कहंतु आम भारत को केते संख्या रे जोरावर टैंक रो आवश्यक रहिछि। एमिति डिफेंस रिलेटेड वीडियो प्रतिदिन देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक शेयर प्लीज। जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग।